राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवास पर। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। अब बता दें खबर चंदौली सकलडिया से आ रही है। सकलडिया बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष पद चुनाव में पिछले कई महीनों से रुकावटें उत्पन्न होने के कारण कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके क्रम में व्यापारियों द्वारा लामबंद होकर संबंधित अधिकारियों से व्यापार मंडल के चुनाव को शीघ्र संपन्न कराने की मांग की गई। जिसके क्रम में गुरुवार को सकलडिया बाजार के व्यापारियों द्वारा व्यापार मंडल अध्यक्ष पर अध्यक्ष पद प्रत्याशी कृष्ण सेठ के अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें कस्बे के कई व्यवसायियों द्वारा अपनी अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के यहाँ प्रेषित करने का कार्य किया गया। वहीं कुछ व्यापारियों द्वारा इस व्यापार मंडल के चुनाव में रुकावट पैदा होने को राजनीतिक भी बताया गया। चर्चा के दौरान उपस्थित आशीष जायसवाल, हिमांशु वर्मा, सुनील चौरसिया, जितेंद्र सेठ, गोविंद जायसवाल, इकराम द्वारा अपनी बातों के माध्यम से व्यापार मंडल चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। वही उपस्थित लोगों द्वारा संबंधित अधिकारियों से सकलडिया व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर के चुनाव को शीघ्र संपन्न कराने की मांग की गई। क्राइम ब्यूरो चंद्रशेखर राय के साथ तहसील संवाददाता अनिल कुमार सेठ की रिपोर्ट। हमारा नाम कृष्णा सेठ है, सकलडिया बाजार जनपद चंदौली। यहाँ बाजार के हम लोग व्यापारी हैं और हम लोगों का सबसे पहला मामला है सकलडिया व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर के, जो कि 1 अक्टूबर को नामांकन हो गया है। हम लोग 2 प्रत्याशी हैं, पता नहीं किन वजहों से कुछ जो हमारे इस समय निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं उनके नासमझी और नाकामियों के कुछ वजह से ही हम कह सकते हैं कि ये चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, और हम चाहते हैं कि ये चुनाव है जो कि जल्द से जल्द कराया जाए। और सभी पत्रकार भाइयों से, इसीलिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ, आप लोगों से निवेदन है हमें कि आप लोग हमारी मदद करिए कि जो चुनाव है निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। हम लोगों को ये भी सुनने में आता है कि चुनाव नहीं होगा, नामांकन हो गया है तो मनोनीत हो जाएंगे लोग, तो कुछ लोगों के द्वारा ये सुनने में आया है कि मैं हट जाऊंगा तो फिर ये है वो, चुनाव नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो करके व्यापारियों का, हमारे सकलडिया व्यापार मंडल का मजाक बने। अभी तक चुनाव न होने के कारण कल की बंदी में भी आधे अधूरी दुकानें बंद थी, सारी दुकानें खुली हुई थी। जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शीघ्र ही चुनाव हो जाएगा और 29 तारीख को भी डेट रखी गई थी, तो 29 तारीख को चुनाव नहीं किया गया, तो इसके बाद आप लोगों द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय से चर्चा की गई। 29 तारीख को डेट को लेकर के संसद हाउस में, क्योंकि जिलाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष के महोदय के अनुसार कि चुनाव का डेट हम लोग रखेंगे, किसी और के आधार पर नहीं होगा। फिर उन्होंने रखा डेट, वो भी नहीं हुआ, कुछ आपत्तियाँ लगी और आपत्ति लगाने वाले भी लोग अपने ही। और मैं अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ, व्यापार मंडल का जो इस समय समीकरण चल रहा है, कुछ लोग जो है कि सोच रहे हैं कि इसमें फूट डालो राज करो, ये नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग हर हाल में अपने व्यापारी को बचा कर रखेंगे। सारे व्यापारी वर्ग ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। प्रशासन से हम लोगों ने अनुमति मांगी है 21 तारीख छठ पूजा के बाद, उसमें SDM साहब थे, CO साहब थे और इंस्पेक्टर साहब भी थे, हम थे, हमारे सामने के प्रत्याशी और अध्यक्ष जी, तीनों लोगों ने लिख करके लेटर दिया है परमिशन, और मैं प्रशासन से चाहता हूँ वो जल्द से जल्द परमिशन दे दें और हम लोग चुनाव करा करके सारे व्यापारी मंडल की एकता को बरकरार रखें। मेरा नाम गुप्ता है, मैं व्यापारी हूँ और चुनाव बहुत जल्द हो जाए ताकि सब व्यापारी आपस में सामंजस्य बनाकर रहें और एकजुट रहें और चुनाव की बंदी भी बरकरार रहे, और इससे निवेदन है जल्द चुनाव होने की संभावना हो जाए। अच्छा, जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगातार कई डेटें पड़ी और चुनाव नहीं कराया गया, अगर भविष्य में मान लीजिए फिर से जो डेट नहीं, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि 21 तारीख को आप लोगों ने डेट रखा है, प्रस्ताव दिया गया है उसके बारे में परमिशन लेने के लिए,
अगर प्रशासन द्वारा परमिशन नहीं दिया था तो अगला कार्यक्रम आपका क्या होगा? तो हम लोग साथ में एकजुट होकर व्यापारी आंदोलन करेंगे और नहीं वो धरने पर धरने पर बैठे हम लोग, और चुनाव अध्यक्ष नहीं कराएंगे तो हम लोग आगे से मांग करेंगे जिला अध्यक्ष से चुनाव जल्द हो, नहीं तो वापस में कोई संविधान व्यापारी नहीं करेंगे। अच्छा, आज आप लोग सकलडीहा आलीनगर तिराहे के पास अम्बेडकर मूर्ति के पास उपस्थित हुए हैं, क्या मामला था? मामला यही है कि सकलडीहा में संगठन का चुनाव है, व्यापार मंडल का। व्यापार मंडल के चुनाव को इतना लेंदी बनाया जा रहा है, लेंदी नहीं बनाना चाहिए। फूट डालो राज करो की स्थिति बनाई जा रही है, जबकि व्यापारी संगठित है, व्यापारी एक जगह, व्यापारी एक ग्रुप है। व्यापारी बस इतना ही चाहते हैं कि प्रशासन को अगर अनुमति की जरूरत समझ में आती है कि व्यापारियों के चुनाव में अनुमति मिलनी चाहिए तो प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए, और प्रशासन से भी अपील करते हैं, जिला अध्यक्ष जी से अपील करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष जी से भी अपील करते हैं कि आप जितना जल्द हो सके संगठन को संगठित करने के लिए जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए, और चुनाव हो जाएगा जितनी जल्दी होगा संगठन मजबूत। मेरा नाम बालकृष्ण है। और इस समय आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हर लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, जैसे कि चुनाव डेट को लेंदी बनाना, चुनाव को सब कुछ संपन्न कराना, खुद डालो राज करो जैसे से, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा आज से नहीं, व्यापार मंडल बहुत पुराना है सकलडीहा का, और बहुत मजबूत व्यापार मंडल रहा है सकलडीहा का, आपने देखा होगा। लेकिन अब लगता है हमें कि कोई ऐसा है जो चाहता है कि संगठन की मजबूती को तोड़ दिया जाए, इसके लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे व्यापारी यहाँ खड़े हैं, आज उपस्थित हैं। हम व्यापारी भी चाहते हैं कि चाहे कोई भी कीमत हम